तो इस लोकतंत्र के महापर्व में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने भी अलवर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जूली ने अपनी पत्नी के साथ जय किशन क्लब के एक मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान एवन टीवी से खास बातचीत में श्रम मंत्री टीकाराम जूली का कहना था कि देश की सरकार चुनने का आज मौका है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग निष्पक्ष रूप से जरूर करें। लोकतंत्र का महोत्सव चल रहा है और उस महोत्सव में अपने मत की आहुति देने आए हैं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी, जिन्हों जो पिछले कई दिनों से जनसंपर्क अभियान में लग रहे थे। सर, पिछले कई जनसंपर्क अभियान में आप लग रहे थे, आज वो उत्सव आ चुका है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और सब लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और सुबह से जहाँ से भी समाचार आ रहे हैं अच्छे समाचार रहे हैं, सब लोग मिल के अधिक से अधिक मतदान कर रहे हैं। जिस तरह की अभी शुरुआत है मतदान की, तो किस तरह की अपील करना चाहेंगे क्योंकि 6 बजे तक टाइम है, अधिक से अधिक मतदान हो? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा आज लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जनता को अगर कोई अधिकार है तो मतदान का है, जिसमें आप अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं, कैसी सरकार हो ये चुन सकते हैं, तो सब लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसको चूकना नहीं चाहिए, सब लोग अपना मतदान करें और जो भी उनकी इच्छा उसी हिसाब से मतदान करें। आप प्रदेश के श्रम मंत्री भी है, प्रदेश का चुनाव है, 25 सीटें हैं, तो कितनी उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मैं आज तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि किसी प्रकार के आचार संहिता के बाद कोई बात कहना गलत है, लेकिन उम्मीदें अच्छी है। जी, श्रम मंत्री जी ने दावा किया है कि उम्मीद अच्छी है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये माहौल अच्छा साबित होगा। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ में चंद्रशेखर शर्मा, एवन टीवी।